গঙ্গায় আমার মা, পদ্মায় আমার মা। ভারতীয় ইয়ক সংস্থান পঞ্জীকৃত রোহিণী দিল্লি কি মহিলা ইয়ক কক্ষা সন্ধ্যা শ্রী গঙ্গা মন্দির 53 রেগারফুড়া কারলবাগ নই দিল্লি মে শ্রী গণেশ পূজা এব শিক্ষক দিবস 5/9/2022 কো বড়ে হর্ষ উল্লাস সে মনায়া গয়া। আপ হমেঁ পড়াতে হো, আপ হমেঁ সমঝাতে হো, হম বচ্চো কা ভবিষ্য আপ হি তো বনাতে হো, শিক্ষক দিবস কি বধাই। শর্মিষ্ঠা জি কুছ কহনা চাহেঙ্গি গুরু কে বারে মে, এক শ্লোক বোলনা চাহেঙ্গি। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে গণপতি বাপ্পা মোরিয়া গণপতি মোরিয়া। শ্রী ভক্তি মোরিয়ারি ইনকি ধর্মপত্নী শ্রীমতী শান্তি দেবী জি, আমারি বরিষ্ঠ কেন্দ্র প্রমুখ শ্রীমতী বিমল জি, केंद्र प्रमुख श्रीमती मधु जी और हमारी शिक्षिकाएं श्रीमती सितारा जी, विमला जी, माया जी, सोनिया जी तथा सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंधेरे यहाँ पर बनकर दीपक, जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक।
कभी नन्ही आंखों में नमी जो होती तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं शिक्षक। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब तो झटपट हाथ बढ़ाते हैं शिक्षक। जीवन डगर है, जीवन समर है, जीवन संघर्ष सिखाते हैं शिक्षक। देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग्य बनाते हैं शिक्षक। हमें देश और दुनिया के लिए एक अच्छा समाज बनाते हैं शिक्षक। नहीं हो कहीं अशांति बस यही एक पैगाम फैलाते हैं शिक्षक। गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक। शिक्षक दिवस आज के दिन ही हमेशा मनाना चाहिए। मैं अपने जीवन में 5 गुरुओं को अपना मानता हूँ। प्रथम गुरु मेरी माँ, जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे दूध पीना सिखाया, जिसने मुझे खाना खिलाना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे संस्कार दिए। दूसरे गुरु मेरे पिता, जिन्होंने मुझे पकड़ के चलना सिखाया, अपना हाथ मेरे सर पे रखा। उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, मैं इन दोनों को रोज याद करती हूँ। तीसरे गुरु हमारी धरती माँ, जिसने मेरा बोझ झेला, आप सबका झेला, आप सबका पेट भरती है, पूरे विश्व का पेट भरती है, ये धरती माँ हमारी। चौथे गुरु हमें अक्षर ज्ञान कराने वाले स्कूल के गुरु, हमारे कॉलेज के गुरु, जो हमें हर जगह मिले और आज भी शायद हम बहुत गुरुओं को याद भी करते हैं। टीचर्स को याद करते हैं, वर्मा मैडम ऐसी थी, शर्मा मैडम ऐसी थी, मैथी मैडम ऐसी थी, और हमें बहुत 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 ज़्यादा नहीं तो 5 सितंबर को तो याद ही आता। फिर हमारे 5वें गुरु हैं हमारे योग गुरु प्लस हमारे आध्यात्मिक गुरु। योग गुरु, योग का मतलब है जोड़ना, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग गुरु ही एक ऐसा है और आध्यात्मिक गुरु एक ऐसा है जो आपको ईश्वर के बारे में बताता है। ईश्वर वहाँ है और हम यहाँ हैं, लेकिन उस ईश्वर के बीच की कड़ी, जो ईश्वर के बीच का कनेक्शन है, वो हमें हमारे गुरु ही बताते हैं। ये योग कक्षा जिसमें आज हम बैठे हैं, ये मई 2011 में खुली थी और इसका श्रेय हमारे गुरुजन मानचंद जी को और उनकी श्रीमती शांति देवी को जाता है। इन लोगों ने अपने सुख में भी हम लोगों के लिए सुख मिला। वो दुखी था कि इनकी बड़ी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया था। हमारे गुरु ने हमारे ही अंदर अपनी बेटी को ढूंढा और मधु जी और मैं और हमारे साथ 2-4 और लोग थे, इन्होंने अपने घर से वो क्लास शुरू की। हम बीमार थे, मैं डिप्रेशन का बहुत ज़बरदस्त शिकार थी, मधु जी बीमार थे और हमें उस डिप्रेशन और बीमारी से निकाला। निकालने के बाद इन्होंने कहा, देखो घर से क्लास ज़्यादा नहीं चल सकती, हम कहीं और जगह लेंगे और आप और लोगों को भी निकालो। हम लोगों ने निकाला। हमारे सारे हाउसवाइफ के लिए ये सोचा कि ये घर से निकले, हमें बोल बोल के निकालते आओ। इनके लिए हमें भी आना पड़ता है, जबरदस्ती हो जो भी हो, लेकिन हमारा बहुत काम आया है इस चीज। कहीं पे मैंने ये चीज नहीं देखा कि अब हमारे लिए सोचने वाली हाउसवाइफ के लिए सोचने वाली कोई है। सबके लिए फोन करते हैं, प्रेशर देते हैं कि सबको निकालो घर से, क्यों नहीं आ रहा, ये सबका नाम लेके उसको फोन करो, उसको फोन करो, वो क्यों नहीं आ रहा। मैं फिर उनको फोन करके उनको बुलाती हूँ, जबरदस्ती घसीटती हूँ उनको। फिर हम दोनों सर हम बहुत खुश होते, हमारी पूरी क्लास पूरी हो जाती है। इनके साथ गए, इनके MRI और डॉक्टर ने कहा कि आप कल एडमिट हो जाइए, आपका स्पाइन का जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। ये निकल आई है कि मैं बाद में आऊंगी। इन्होंने दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर को मना कर दिया, मुझे नहीं करना, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और आज ये आप सबके सामने है, हिंदी भी पहनी हुई है और मैं डेली गुलाबी वक्त से योगा के लिए डेली आती है। और 100% होगा ये गारंटी के साथ डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर ने बोला था। ये बात बीएल कपूर की, तो आप चैनल की बात है।
ये वही माया सच्चाई जो आज मैं दोबारा वैसी इसे योगा में बहुत चमत्कार है। योगा मत छोड़िए मेरे कहने के हिसाब से, आप योगा करो और स्वस्थ रहो। सभी मेरे अध्यापकों का बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी सभी सखियों का, सभी साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ समय रहते पधारे, जो हम बोलते हैं वो करती हैं, जैसा हम बोलते हैं वो करते हैं। मैं यहाँ पे खड़े होके आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बोलने को तो अभिनंदन हो गया, क्लास हो गई, सब कुछ है। यहाँ आके सबसे बड़ी बात है, सबने तो हमें जो सिखाया सो सिखाया। मैं अपनी दो केंद्र प्रमुख जो टीचरें हैं, श्रीमती विमल मैम, श्रीमती मधु मैम, इनसे जो सीखा है। हम पहले यहाँ आने से पहले हर त्योहार अपने घरों के अंदर रहते थे, ज्यादा ज्यादा राजमा चावल हलवा बना लिया, भोगा त्योहार है ना, ऐसा ही होता था हर घर में। यहाँ निकल के जो मैडम ने हमें सिखाया कि यहाँ आओ, यहाँ मनाओ, तैयार होके आओ, कपड़े लत्ते पहन के आओ अच्छे से, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो एक रहता है कि अगर कोई नहीं आती, तू आ रही है ना, तू आ रही है ना, तू आ रही है, सबके साथ हम ये शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैडम ने हमें, इन दोनों टीचर से हमें ये सिखाया कि यहाँ आके भी त्योहार बनाओ, और हम यहाँ से जब जाते हैं प्रफुल्लित होके जाते हैं, और जो भी है आके बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी छुट्टी मार भी लेते हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। बस थैंक यू। हम यहाँ पे सभी धर्मों के त्योहार मनाते हैं, सभी धर्मों के। तो ये सब हमें सिखाया विमल मैम ने, है सर तो जो हमें सिखा रहे हैं, ये हमें, मैंने सिर्फ विमल मैम से सीखा है। नहीं तो इतने सालों से हम बड़े हो गए हैं, त्योहार आ रहे हैं, हम बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन यहाँ पे हमने त्योहार बनाना जो शुरू किया है तो हमने विमल मैम हमारा टीचर डे का कार्यक्रम है, हमारी दिवाली पार्टी है, हमारी होली पार्टी है, घर से ज्यादा यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। बिल्कुल, चलिए थैंक यू। योग दिवस पे या टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे।
टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे मैं सबको सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी, सर को, सर की वाइफ को और मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन सबको। और सबसे पहले मैं चाहूंगी, सबकी बात मुझे कुछ बोलना नहीं था लेकिन जब मैंने सबको सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं आती थी यहाँ पे तो यहाँ सबसे पीछे बैठती थी, याद होगा दीपो, सितारा भी दी भी थी। तो पीछे से जाते जाते सीधे, मतलब मैंने योग सीखा, डेली आना शुरू किया धीरे धीरे, आते आते मतलब इतना ज्यादा मुझे वो जो एक एक जो एक जो पॉजिटिविटी जो मुझे फील हुई जो मेरे फैमिली में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मतलब जॉइंट फैमिली में थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसा सबके घर पे होती है तो वो वहाँ भी थी। तो उसी वजह से उसके निकलने के लिए या उन सब चीज़ों को मैंने कोप अप किया थ्रू योगा, योगा करके यहाँ डेली आना और डेली उसको अटेंड करना। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर, मेरी एल्डर सिस्टर, वो कैलकटा से मैंने उसको बुलाया, वो भी डिप्रेशन में ही थी। हाँ, तो मैं वो 1 मंथ पूरे रही मेरे, तो उसको मैं रेगुलर लेकर आती थी और उसने भी यहाँ से इतना पॉजिटिविटी लेके गई है कि हाँ मतलब मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, आप सभी का अभिनंदन। और विमल मैम ने इतना कुछ कह दिया कि आप मेरे लिए जो है कुछ बचाए। दिवस पे ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन जो योग गुरु जो हमें जीने की कला सिखा रहे हैं, हमें स्वस्थ रहने का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, भगवान इनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और हमें जो है हमेशा इसी तरह से जो है ध्यान देते रहे, योगा सिखाते रहे। ये स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे तो हम भी इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बनाते रहे। सबको हैप्पी टीचर्स डे। आप वीडियो देखिए, लाइक करें, कमेंट्स करें जरूर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हैप्पी टीचर्स डे। डांस करो, डांस करो, डांस करो।
अगर हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सी यू टुमारो, हैव यू नाइस डे, टाटा बाय बाय।